साउथ अफ्रीका और दिल्ली डेयरडेविल्स के ऑलराउंडर जेपी डुमनी आईपीएल 2017 का हिस्सा नहीं होंगे। डुमनी ने खुद को निजी कारणों के चलते आईपीएल से अलग कर लिया है। आईपीएल सीजन 10 की शुरुआत में अब बस 16 दिन बचे हैं और दिल्ली को एक बड़ा झटका लगा है। ना ही दिल्ली डेयरडेविल्स ने और ना ही जेपी डुमनी ने अपने बाहर होने के कारण का अभी तक खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपी डुमनी साउथ अफ्रीका नेशनल साइड में अपने इन्वॉल्वमेंट पर फोकस करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने आईपीएल 2017 से बाहर होने का फैसला लिया है। जेपी डुमनी ने आईपीएल स्किप करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका कहना है कि आईपीएल से बाहर होने का उनका फैसला काफी कठिन था, पर बाहर होने का कारण काफी निजी है। डुमनी ने अगले साल आईपीएल का हिस्सा होने की बात भी कही है। जेपी डुमनी की आईपीएल 2014 से ही दिल्ली डेयरडेविल्स से खासी इन्वॉल्वमेंट है। आईपीएल 2015 में उन्होंने दिल्ली की कप्तानी भी की थी, हालांकि उनका कप्तान के रूप में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। दिल्ली डेयरडेविल्स की मुसीबतें यहां खत्म नहीं हुई हैं। दरअसल श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज, जिन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, वह भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं और शायद वे भी दिल्ली डेयरडेविल्स से बाहर हो सकते हैं। जेपी डुमनी का आईपीएल 2017 से बाहर होने के फैसले का असर क्या दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।